क्या आप जानते हैं इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से हर कंट्री का 33% लैंड एरिया फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए, पर इंडिया का सिर्फ 23% एरिया ही फॉरेस्ट कवर में आता है। प्रणाम, आपका स्वागत है जाने अपना देश इन 75 डेज। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के फॉरेस्ट। इंडिया में 5 अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट में ज्यादातर कोन शेप के ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि देवदार या फिर पाइन। दूसरे टाइप के फॉरेस्ट आते हैं हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट वहां होते हैं जहां पर 2000 mm से ज्यादा बारिश और पूरे साल धूप रहती है। इसके जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही बड़े और इनकी लकड़ी बहुत मोटी होती है, जैसे कि सैंडलवुड। तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे डेसीडियस फॉरेस्ट। इंडिया में सबसे ज्यादा पार्ट इन डेसीडियस फॉरेस्ट का है। ये वहां होते हैं जहां पर 1000 mm से 2000 mm के बीच में बारिश होती है, जैसे कि बरगद और पीपल। और जब ड्राई सीजन आता है तो ये पेड़ अपने पत्तों को शेड कर देते हैं। चौथे टाइप के फॉरेस्ट आते हैं हमारे राजस्थान वाले एरिया में, जहां 500 mm से भी कम बारिश होती है। इनको बोलते हैं थॉर्नी शर्ब्स। इनमें ज्यादातर कांटेदार और छोटे शर्ब्स होते हैं। और पांचवें नंबर पर आते हैं मैंग्रोव्स। मैंग्रोव ज्यादातर कोस्टल एरियाज में होते हैं जो समुद्र के किनारे रहते हैं, और ये मार्शी या फिर दलदल टाइप की जमीन में होते हैं। इसमें सबसे फेमस आते हैं सुंदरबंस। अगर मैं आज से 300-400 साल पहले की बात करूं तो इंडिया का जो फॉरेस्ट था वो बहुत ही घना और हरा भरा था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद जब रेलवे का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो इन फॉरेस्ट को काटा जाने लगा रेलवे के पाइल्स बनाने के लिए और शिप बिल्ड करने के लिए। There was a time जब इंडिया में सिर्फ 18% ही फॉरेस्ट रिजर्व रह गया था। लेकिन आजादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज और रिस्ट्रिक्शन के बाद ये फॉरेस्ट रिजर्व बढ़कर 23% हो पाया है, जो कि अभी भी 10% कम है इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से। और यही शायद एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमारे देश की बहुत सारी सिटीज आज बहुत भारी पॉल्यूशन झेल रही है, जिसकी वजह से लोगों की लाइफ 10 साल तक कम हो रही है। तो अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमें फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर करें। और आप अगर चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर एक वीडियो बनाएं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।